आज हम बात करेंगे एक घड़ी के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ में एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेथड बताऊंगा जिससे आपको आसानी से कर सको, जो आपको सरल लगे मेथड उस मेथड का आप यूज़ करना। और साथ ही साथ आपने देखे होंगे कि जो घंटे और सुई, ठीक है, जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं एक दूसरे के ऑपोजिट कब होती हैं, एक दूसरे के साथ कब होती हैं, 90 डिग्री का कोण कब बनाती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो भी किस मेथड से, ट्रिकी मेथड से। तो मित्रों हम बढ़ते हैं आगे, बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ मिनट की सुई के बारे में। तो मित्रों जो मिनट की सुई हैं 60 मिनट के अंदर जो कोण बनाती हैं पूरा घूमती है, देखिए यहाँ पे यहाँ तक आती है तो एक वृत्त बनाती है, एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर के अंदर कितने डिग्री कोण बनता है मित्रों, 360 डिग्री का। तो 60 मिनट की सुई जो मतलब मिनट की सुई है 60 मिनट के अंदर कोण बनाती है, वो बनाती है 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर कोण बनाएगी, कितना बनाएगी, 360/60, तो यहाँ से अपने काटा तो कितना हुआ, 6 डिग्री। तो मित्रों जो मिनट की सुई है 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 6 डिग्री का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने होते हैं मित्रों, 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो एक एक 5 ये बना दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं एक कोण कितने डिग्री का होता है, 1 मिनट के अंदर कोण कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का। तो मित्रों 5 मिनट के कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, ये तो आपको पता चल गया होगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ घंटे की सुई की, घंटे की सुई की बात करें मित्रों, तो ये पूरा जो घंटे की सुई घूमती है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो 12 घंटों के बाद में ये वहाँ पर वापस यहाँ पर आती है। ठीक है, कितने घंटों के बाद, 12 घंटों। तो 12 घंटों के अंदर जो कोण बनाती हैं कितना, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे के अंदर कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, 360/12। ठीक है, तो कितना, 30 डिग्री का। 1 घंटे के अंदर जो घंटे की सुई है कौन बनाएगी मित्रों, तो कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। इसी प्रकार 60 मिनट बराबर कितने डिग्री का कौन बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो जो घंटे की सुई है मित्रों 1 मिनट के अंदर कौन बनाएगी, तो कितना हो जाएगा, 30/60, यहाँ से अपने काटा तो कितना हो जाएगा, आधा डिग्री का। तो मित्रों घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर कोण बनाएगी तो कितना बनाएगी, आधा डिग्री का। ये मैंने जो कुछ बेसिक बातें हैं आपको बताई। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और क्वेश्चन लेता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं कि घंटे की सुई 12 PM से 3:45 PM तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कहाँ से, 12 PM दोपहर 12 बजे से लगाकर 3:45 तक जो घंटे की सुई है, ठीक है, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। अभी मैंने बताया जो घंटे की सुई है मित्रों 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाले तो कितने हुए, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो मित्रों यहाँ आपने देखा 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे 1 घंटे के अंदर कितने मिनट, 60 मिनट प्लस 45 मिनट, तो कुल मिला के कितने हो गए, 180+45 बराबर कितना हो गए, 225 मिनट। ठीक है, तो मित्रों जो घंटे की सुई है 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 225 मिनट के अंदर कितना कोण बनाएगी, तो यहाँ अपन निकाल लेंगे, 2 का भाग दे जाए इसके अंदर। ठीक है, तो 2 का भाग देने से जो कितना है, 112.5
पाँच, ठीक है। तो 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, 12 बजे से लगाकर 3:45 तक। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया, ठीक है, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे और एग्जाम में और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो वो देखते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मित्रों कि 5:10, ठीक है, पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि 5:10 पर जो घड़ी की दोनों सुई हैं, घंटे व मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मित्रों कुछ नहीं करना है, एक इसके लिए तो आपको एक फार्मूला याद करना है, और वो फार्मूला मित्रों ये रहा 30h, ठीक है, माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। इसके अंदर मित्रों जो वैल्यू है हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। इस प्रकार आप लिख सकते हो क्या लेनी, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। तो मित्रों ये जो पहले वाला आवर हो गया, ये मिनट हो गया, ठीक है, तो ये अपन को कौन निकालना है थीटा। तो थीटा बराबर 30 × h की वैल्यू कितनी है 5 − 11/2 × 10। यहाँ से अपन ने काटा कितना आया 5, ये कितना आया 150 माइनस कितने हुए 55। तो यहाँ से अपने निकालेगा तो क्या बना मित्रों, एंगल कितने का बना, 95 डिग्री का, ठीक है। तो कितना बना मित्रों, 95 डिग्री का। दूसरा कोण एक 95 डिग्री का बन गया, दूसरा कोण अपन निकाल सकते हैं, कौन से कैसे निकालेंगे, बृहत कोण, ठीक है, यानी कि ये घड़ी है और ये कितने 5 बजे, 5:10, ठीक है, ये 10 मिनट है दोपहर। तो मित्रों 5:10 हैं, तो ये कोण हो गया, ये अपने निकाला कितना 95 डिग्री का। दूसरा वाला कोण वो कितना होगा, तो वो कोण कितना होगा, इसके आपको 360 माइनस माइनस करना है 95, तो आंसर आएगा मित्रों कितना, 60 गए पीछे रहे कितने 35, 35 अपने निकाल लिए तो कितने बने 265 डिग्री। बस यही था क्वेश्चन और ये आंसर आपके सामने, ठीक है। इसके लिए तो मेथड यही लागू होगा मित्रों, पर ये आपको करना है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, बहुत ही कम समय के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो रहा ये, कि किसी घड़ी में 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। कितने बजे, 7:20 पे, ठीक है, दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको सॉल्व करना है मित्रों, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, थीटा बराबर 30 × h, h की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, −11/2 × 20। यहाँ पर ने बाग काटा तो कितना आया 10 आया, लेकिन 210 आ गया और ये कितना आया 110, तो कितना डिग्री का आया 100 डिग्री का मित्रों, ठीक है। और इसी प्रकार में दूसरा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 360 − 100 डिग्री बराबर 260 डिग्री, ठीक है, ये बात आपके कवर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ मित्रों एग्जाम में ऑप्शन किस प्रकार आ जाए। एग्जाम में पहला ऑप्शन बात करें, ऑप्शन आया 130 डिग्री, ऑप्शन आया 160 डिग्री, ऑप्शन आया 260 डिग्री, ऑप्शन आया 360 डिग्री। तो यहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि ऑप्शन हमारा आंसर आया 260 डिग्री और यहाँ पर भी 260 है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करूं, ऑप्शन में हो 130 डिग्री, ऑप्शन में हो 160 डिग्री, ऑप्शन में हो 360 डिग्री और ऑप्शन के अंदर 100 डिग्री, तो यहाँ पे अपन का आंसर 100 आया, तो यहाँ पे अपन 100 लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन इस प्रकार दिया हो जाए 130 डिग्री, 160 डिग्री, 260 डिग्री और 100 डिग्री। यहाँ पे आपने देखा कि दोनों आ गए, अब क्या करें? तो पहले जो बाईस कौन निकाल रहे उसको नहीं लेना है, जो पहले अपने कौन निकाला है कौन सा 100 डिग्री वाला, तो वही कौन लेना है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 100 डिग्री। इसी प्रकार ऑप्शन आए 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री, अगर कोण पूछे तो इसके अंदर क्या है, कोण पूछे तो, ठीक है ना, और 130 डिग्री, 160 डिग्री, 260 डिग्री, 100 डिग्री, इसमें मित्रों बृहत कोण पूछे, बड़ा वाला कोण पूछे, बृहत कोण, तो इसमें जो आंसर आएगा मित्रों दोनों दिए हैं लेकिन वो आएगा क्या 260 डिग्री। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर इस प्रकार पूछे कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो भी कौन सा होगा 260 डिग्री। ओनली ओनली कौन पूछे तो कौन सा हो जाएगा 100 डिग्री, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती है, इसलिए मैं आपको बता दिया। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बारे में कि 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा, कितने बजे, 5:40 पे दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा। तो मित्रों फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, थीटा बराबर 30H-11/2 × m, 30×5-11/2 × 40 कितना होगा 20, और ये कितना होगा 150-220। यहाँ देखा आपने तो मित्रों वैल्यू है 220 ज़्यादा है, वैल्यू आ रही माइनस के अंदर, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो वैल्यू है इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही लेनी है, तो अपन पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो अपन मित्रों 150 में से गए तो कितना है 70 डिग्री। दूसरा बहिष्कोण जो बृहत कोण है, उस बृहत कोण की बात करें तो बृहत कोण कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 290 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि पहली बार 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया कि पहली बार 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5 और 6 बजे के बीच एंगल कितना दिया हुआ है 95 डिग्री का, कब बनेगा, तो ये अपन को टाइम निकालना है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर्मूला मित्रों इसके लिए टाइम निकालने के लिए बस यहीं से अपन टाइम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है मित्रों 2/11, क्या 2/11 30H-थीटा। ठीक है, एच होता है जो पहले वाला जो टाइम होता है वो मित्रों, जैसे 5 पहले है तो 5 पहले वाला, ठीक है, और थीटा जो दिया हुआ है वही मित्रों, तो अपन टी निकालेंगे 2/11 × 30 × h कितना है 5-95 डिग्री। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे पूछा है कि पहली बार, यानी पहली बार 5 और 6 बजे के बीच में जो 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा मित्रों, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, तो आप बस ये फॉर्मूला लगा दिया, पहली बार पूछते ही आपको यहाँ पे क्या लगाना है, डायरेक्टली माइनस लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों होते हैं इस फॉर्मूले के अंदर मित्रों, ठीक है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पहली बार पूछते ही आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट और डायरेक्ट माइनस लगाना है, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा 2/11 × 150-95 डिग्री, ठीक है, 2/11
और अब यहाँ से अपने निकाला कितना आया, 55 डिग्री, ये कितना आया 5, ये बनेगा मित्रों 10 डिग्री का एंगल। 10 डिग्री टाइम क्या है, 10 डिग्री यानी 10 मिनट आ गया। तो मित्रों 5:10 पे जो एंगल बनेगा 5 और 6 बजे के बीच में कितना बनेगा, 95 डिग्री का। पहली बात, इसी प्रकार मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ वो आपको याद रखनी है, जिससे आप 1 सेकेंड के अंदर आंसर दे सको। कितना सेकेंड, ओनली ओनली 1 सेकेंड, ठीक है। अगर इस प्रकार दिया हुआ मित्रों ट्रिक्स देखते हैं, साथ यहाँ तो अपन एंगल निकालेंगे, वो यहाँ अपन लिखते हैं टाइम, ठीक है। तो मित्रों 7:35 पर, ठीक है, जो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 10:50 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 9:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 5:25 पे घड़ी की दोनों सुइयों के अंदर एंगल कितना बनेगा। इसी प्रकार मैं और बात करूं, सिर्फ आप आंसर दोगे 1 सेकेंड के अंदर। 9:36 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 4:16 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 11:44 पे और इसी प्रकार 3:12 पे। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने देखा मित्रों 7 और 35, यहाँ पे इन दोनों का अनुपात निकाला, कितना आया 1:5, 7×5 35, 1:5। तो मित्रों अगर घंटे की सुई, ठीक है, समय है घंटा वाला और साथ में मिनट, अगर इन दोनों के बीच में 1:5 का रिलेशन हो तो कौन, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, जो मिनट का टाइम है मिनट को 2 से भाग देना है। यहाँ पे मिनट कितनी है, 35 मिनट, और 35 मिनट को 2 से भाग देना है। तो आंसर कितना आएगा, 17.5 डिग्री। तो एंगल हो गया 17.5 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर देखा आपने 1:5 आ रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 50 का भाग दिया, 50 में भाग दिया 2 का, तो 25 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे देखा आपने 9:45 है, तो 1:5 आ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22.5। इसी प्रकार आपने बात करें 5:25 पे, तो डायरेक्टली आंसर क्या बन रहा है, वो डायरेक्टली आंसर बन रहा है मित्रों 12.5 डिग्री। एकदम शॉर्ट ट्रिक्स, इसको आप सॉल्व कर से करके कितने सेकंड में कर सकते हो, ओनली 1 सेकंड के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे देखिए मित्रों 9:36, ये क्या है आवर और ये मिनट, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा तो अपने देखा कितना अनुपात आ रहा है, 1:6, ठीक है। तो आवर और मिनट्स जो कि बीच में कितना अनुपात आ रहा है, 1:4 का। तो इसके लिए आपको कौन याद रखना है, सिंपली बस इस बात को याद रखना है कि जितना भी मिनट हो उसको 2 से मल्टीपल करना है, 2 × मिनट। तो यहाँ पे 36 है मिनट, तो आंसर हो जाएगा 72। यहाँ पे 16 है 32, यहाँ पे 44 है 88, और यहाँ पे 3 12 है, 1:4 सबके हो रहे हैं ना, तो 12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। मित्रों कितने कम समय के अंदर इसको हम सॉल्व कर दिया, और आई होप ये वीडियो मुझे कंफर्म है 100% कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ज़रूर पसंद आ गया होगा। इसी प्रकार कुछ और बातें देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। क्वेश्चन है मित्रों कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनाएगी,
घड़ी की दोनों सुइयां कितना एंगल 45 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? तो मित्रों मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया मित्रों? कितने बजे बताया था मैंने? 8 और 9, क्वेश्चन के अंदर कितना है? 7 और 8, 7 और 8 बजे, ठीक है? 7 और 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? तो मित्रों फॉर्मूला हमारे पास में ये है, टी बराबर 2/11 30 × h माइनस, ठीक है, और प्लस दोनों है थीटा। टी बराबर एक बार अपन क्या लेंगे? प्लस, एक बार लेंगे अपन माइनस। 2/11 30 × h क्या है? जो पहली वैल्यू मैंने आपको बताया 7, एक बार अपने क्या लिया? प्लस लिया, तो कितना? 45। यहाँ पे अपन 2/11 30 × 7 माइनस 45, तो यहाँ पर ने अपना आंसर आ जाएगा 7 × 21 210 प्लस 45, ठीक है? तो मित्रों 2/11 इंटू यहाँ पे जोड़ा कितना आया? 255, ठीक है? तो मित्रों हम काटेंगे इसको, और काटने के बाद 11 तो 22, ठीक है, पीछे रहे 3, 11 तो 33, 2 रहे और 11, ये आया मित्रों हमारे पास। अपन ने 2 को मल्टीपल किया इससे, कितना आया? 46। 2 को 4, 2 से क्या कितना आया? 4, ये हमारा आ गया जो मिनट आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? एक तो आ जाएगा 7:47, सही 4/11 मिनट पे जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 45 डिग्री का। इसी प्रकार इसमें बात करें 2/11 कितना आया? 210 माइनस 45 डिग्री, और टी बराबर 2/11, तो यहाँ से अपन ने माइनस किया, 10 गया, फिर क्या 35 माइनस किया, तो कितना आया? 165, 11, ठीक है, और इसी पर 11.55, तो कितना आया? 30 डिग्री का। टी बराबर 30 डिग्री, 30 मिनट आया। 30 मिनट का मतलब ये हुआ कि 7:30 पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैंने आपको दो बता दिए, दोनों बता दिए, ठीक है? कब कब बनाएगी? 7:46 सही 4/11 मिनट पे, और दूसरा बनाएगी 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है? इसी प्रकार हम बात करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, इससे और आपकी बातें वो क्लियर हो जाए। मित्रों 5:30 और 6 बजे के बीच में कब? 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों, जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 70 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं, हम बात करते हैं ये घड़ी किस, ठीक है, ये पूछा है इसके अंदर साढ़ा 5 और 6 बजे के बीच में, ठीक है, 5 और 6, 5:30 और 6, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ऐसे ही मैंने आपको लिखा है। तो मित्रों इसमें आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे मिटा जाते हैं 5 और 6 लिखे थे। तो मित्रों हम देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टी बराबर 2/11 30 × h प्लस माइनस 70। तो मित्रों ये आप ध्यान से देखना कि जो एंगल बनेगा 5:30 और 6 बजे के बीच में, वो भी कितना पूछ रहा है? 70 डिग्री का। तो मित्रों ये एंगल बनेगा वो जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं इनके मिलने के बाद ही बनेगा, ठीक है, पहले ही नहीं बनने वाला है। दोनों की जो सुइयां हैं घड़ी की, ये दोनों मिलेगी तभी 70 डिग्री का एंगल बनेगा, उससे पहले एंगल नहीं बनेगा, ठीक है?
तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, आपको मैं करके बता देता हूँ। 2/11 30 इंटू 5 ले लिया, ठीक है, प्लस 70 लिया तो कितना है, 150 प्लस 70 तो कितना आया मित्रों, 2/11 220, 540 पे। ठीक है, यहाँ पे मित्रों क्योंकि 540 पे आ रहा है, ठीक है, तो 540 पे तो मिल सकती है। अगर हम माइनस लेते हैं तो क्या होता, 11 220, 220 नहीं 150 माइनस 70, 2/11 अपन यहाँ से घटाया तो कितना आया, 80, और यहाँ अपन का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 7। ठीक है, और पीछे पीछे कितना रहा, 3। तो ये कितना बन रहा है मित्रों, 14 से ही 6/11। तो मित्रों ये तो आ जाएगा टाइम 5 से ही 14 से ही 6/11 मिनट। तो इस मिनट के बीच में तो हमारा काटा है नहीं, क्यों, हमारा टाइम तो है 5:30 और 6 के बीच में, तो ये तो वैसे भी फेल हो जाएगा। तो ये मित्रों कब बनेगा, दोनों जो घड़ी की सुइयां हैं उसके मिलने के बाद ही, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इतनी बात आई होप कवर हो गई होगी। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। मित्रों क्वेश्चन है, 3 व 4 बजे के बीच में किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई के 4 मिनट बाद होगी। क्या कह रहा है कि 3 व 4 मिनट 4 बजे के 4 बजे के बीच किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई के 4 मिनट बाद, तो मिनट की गुई है जो छुई है मित्रों, वो क्या है, 4 मिनट बाद, यानी पीछे है, तो -4 आपने लिख दिया इनटू, बता देता हूँ आपको टाइम निकालना है। तो मित्रों 4 मिनट है और 1 मिनट के अंदर जो मिनट की सुई है कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको मैंने पहले स्टार्टिंग के बताया 6 डिग्री का, और कितना हो जाएगा, -24 डिग्री। ठीक है, इससे अपने क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। क्या निकाला, एंगल निकाल लिया। अगर इस प्रकार पूछे, पीछे के पूछे, तो हमेशा अपन क्या करना है, माइनस लेना है। अगर मिनट की सुई पीछे हो तो अपन क्या लेना है, तो माइनस। फॉर्मूला हमारे पास में ये है, 2/11 30 × 3, ठीक है, माइनस एंगल कितना आया, 24 डिग्री का, 2/11 90 -24 डिग्री, तो यहाँ से आंसर क्या आया, 2/11 इंटू 60 बराबर क्या आया, 6 12, ठीक है, 12 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 3:12 पे। इसी प्रकार ये पूछ रहा कि अगर 7 मिनट आगे होती तो, ठीक है, 3 व 4 बजे के बीच में जो मिनट की सुई है वो 7 मिनट आगे होती, तो अपन क्या लेते हैं, इसके अंदर प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं मित्रों, प्लस लेते हैं, तो बस वो भी सिंपली आंसर हो जाता। किस प्रकार हो जाता, 2/11 30 × 3 कितना हो जाएगा, 90 माइनस, यहाँ क्या लेते हैं, प्लस लेंगे, आगे वो तो क्या है, और 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का, 7 मिनट के अंदर 42 डिग्री का, तो अपन 42 प्लस ले लिए, ठीक है, 2/11, और यहाँ पर ने क्या कितना है, 132, और भाग दिया मित्रों वापस 11, ठीक है, और कितने, 2/22, तो कितना आया, 24 मिनट। 24 मिनट हो गए, तो टाइम क्या होगा, 3:24 पे, ठीक है, ये टाइम होगा इसमें 7 मिनट आगे होगी। तो मित्रों ये मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बताया जो आगे नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें जो घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होगी, एक दूसरे के विपरीत कब होगी, साथ ही साथ 90 डिग्री कोण कब बनाएगी, और आगे बात करेंगे वाटर प्रतिबिंब, ठीक है, जो, और साथ में दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।